भाई साहब आप देख सकते हो यहाँ पे पूरी बर्फ मतलब रोड पर आ चुकी है, इसलिए यहाँ पे ये सब जेसीबी से क्लीन कर रहे, पूरी नीचे धकेल रहे। इसलिए हमको अभी आर्मी ऑफिसर्स ने 15-20 मिनट रुकने को कहा है और अभी ट्रक्स निकलने चालू हो चुके। बाप रे नीचे देखो कितनी फिसलन है। ये क्या है गाइस, देखो फर्स्ट व्यू ऑफ टांगलांगला, मतलब देख सकते हो कितना तगड़ा है, नीचे बर्फ देखो बॉस। ओ भाई साहब, और व्यू देखो काफी प्यारा है, लेकिन ठंड बढ़ रही है भाई यहाँ पे तो धीरे धीरे, और सिर्फ बढ़नी नहीं चाहिए प्रॉब्लम ऑक्सीजन की, क्योंकि कल मैं ऑक्सीजन के कारण खारदोंगला भी नहीं जा पाया, दोनों भैया गए थे क्योंकि ऑक्सीजन लेवल मेरा बहुत कम हुआ था ना, तो खारदोंगला तो बहुत हाइट पे था, उधर तो मैं जा ही नहीं पाता था, तो प्रॉब्लम हो गई थी कल, तो आज सिर्फ नहीं होनी चाहिए। आज तो मैं दवा के पानी पीऊँगा, और मैंने सुबह से पानी नहीं पिया अभी तक। मनाली है 380 किलोमीटर। बस आप एक बार नीचे देखो भाई साहब, कितना हाइट पर आ चुके हैं अपन, और बर्फ भी इधर बहुत, यार बहुत गंदी ठंड लग रही है। अभी मैं पानी पीऊंगा क्योंकि हालत टाइट हो जाएंगे। यहाँ से व्यू देख सकते हो कितना प्यारा है, और अभी हमने नोटिस किया यहाँ पे हिरन भी है, ये देखो आपको दिख रहे है या नहीं पता नहीं, ये देखो ये हिरन है सब, मतलब हिरन एक दो नहीं पूरा झुंड है उनका, और व्यू देखो काफी प्यारा है, और ठंड भी बहुत है यार। मैंने अभी पानी का लेवल भी बढ़ा लिया, मतलब पानी पिया है मैंने बहुत, क्योंकि अभी कुछ प्रॉब्लम ना है, क्योंकि दूर दूर तक कोई भी नहीं है। ये देखो यहाँ पे ऑफ रोड आ चुका है, बीच बीच में ऑफ रोड के पैच आ रहे हैं, और बर्फ देखो भाई साहब, और ये बर्फ का पूरा पानी पिघल रहा है, इसके लिए वाटर क्रॉसिंग भी आएंगे आगे। गाइस हम यहाँ से जा रहे थे, ये पूरी वाटर क्रॉसिंग बर्फ के कारण होती, और ये देखो ग्लेशियर, वाह बॉस, ओ भाई साहब। तो गाइस यहाँ पे आप ग्लेशियर देख सकते हो, ये देखो बॉस एकदम चक्कू है चक्कू, नहीं इनको मार मार मार, इनको मजाक नहीं चल रहा, मार मार मार, ये देखो एकदम चक्कू है चक्कू। ओ भाई साहब गुस्सा तो क्या, घुस भी जाएंगे सही में। हाँ हाँ ये देखो भाई साहब देखा आया मजा, बर्फ पे सरगानी करने का मजा यही है। तो हाथ सुन पड़ गए रे, लो तो गाइस आप देख सकते हो बर्फ बहुत, मतलब पूरी बर्फ ताजी है। अभी तो टांगलांगला आना है, उसमें तो बहुत बर्फ है, और ये बर्फ के कारण जो पिघलती है ना बर्फ, उसका वाटर क्रॉसिंग हो जाता है, उसके कारण रोड खराब होते। और अभी तो आपने देखा ही होगा मैं गिरा था, उसके कारण हाथ देखो पूरा हाथ सुन हो चुके, इतने लाल हो गए सीरियसली। ये देखो ऑफ रोड, और ये बर्फ पिघल रही है, पूरी बर्फ पिघल रही है, उसके कारण वाटर भी बहुत हो गया, वाटर क्रॉसिंग आगे कुछ तो हो चुका है लगता है, लैंडस्लाइड बर्फ कुछ तो भी गिरी, इसलिए क्लीन कर रहे जेसीबी से और आर्मी ऑफिसर से। ये देखो आगे पूरी बर्फ आ गई, वो साइड में कर रहे हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे पूरी बर्फ मतलब रोड पर आ चुकी है, इसलिए यहाँ पे ये सब जेसीबी से क्लीन कर रहे, पूरी नीचे धकेल रहे, इसलिए हमको अभी आर्मी ऑफिसर्स ने 15-20 मिनट रुकने को कहा है, और अभी ट्रक्स निकलने चालू हो चुके। बाप रे नीचे देखो कितनी फिसलन है, अब आगे निकलने को बोला है इनको, देखते हैं भाई कैसा है, रिस्क बहुत है ऐसे रोडों पर। सकते हो बॉस बहुत फिसलन है, पूरी बर्फ को नीचे धकेली है जेसीबी ने, और बाप रे बहुत गंदा फिसल रहा मैं भी, अरे राम रे बहुत डेंजर है ये, ये क्रेन इन्होंने साइड में किया है बर्फ को। अभी यार टांगलांगला में क्या होगा, उधर तो बहुत बर्फ खेली ही जाती है। वो बॉस वहाँ पे उतरा था पूरा मैं गंदा हो चुका हूँ कीचड़ से, और यहाँ से देखते हैं सरचू 142 किलोमीटर, पैंग 166 किलोमीटर। मेरे को लगता है शायद टांगलांगला यही है, इसलिए यहाँ पे एक बहुत घिरी बर्फ है। ये देखो ना बहुत बर्फ देखो भाई साहब, इतना ऑफ रोड है ना इधर गंदा वाला, अच्छे से शूट भी नहीं कर पा रहा, ये बर्फ के कारण वाटर क्रॉसिंग आ रही है ना, ये देखो बहुत गंदी है, ये बहुत गंदी है सीरियसली बहुत गंदी है। टांगलांगला पास शायद, हाँ वही है शायद, हाँ क्योंकि बॉस हाँ ये टांगलांगला पास है, बहुत हाइट पर काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये देखो आखिरकार अपनी बाइक टांगलांगला पास पर पहुंच चुकी है, काफ़ी अलग ही खुशी है, फाइनली टांगलांगला पास पर पहुंच चुके हैं, बहुत काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये देखो और बर्फ देखो चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, यहाँ पे थोड़ा मेरे को अच्छा लग रहा है, सांस वास लेने में सुकून है। देख सकते हो बॉस
टांगलांगला अल्टीट्यूड 17,582 फीट, यू आर पासिंग थ्रू सेकेंड हाईएस्ट। बाप रे, मतलब फाइनली टांगलांगला हो गया हमारा। ये भी आप पढ़ लो, बोलने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है, क्योंकि जो भागे थे ना वहाँ पे पूरी हालत टाइट हो चुकी है। ये देखो, फाइनली टांगलांगला पास हो चुका है। अभी हम पहुँचने वाले मनाली, शाम तक पहुँच जाएंगे। और आर्मी ने हमको बहुत हेल्प की बर्फ वर्फ पूरी निकालने में। ये पूरी आर्मी है देखो, मतलब हेल्पिंग के लिए इतनी आर्मी खड़ी है यहाँ पे टांगलांगला पास पर। देखो बॉस, पासेस ऑन मनाली ले रोड, यू आर स्टैंडिंग एट टांगलांगला पास। भाई आप पढ़ लो यार, सच में भाई बहुत थक चुका हूँ। भाई जो बोलता ना आसान है बर्फ में रहना, ऑक्सीजन कम है, कुछ नहीं होता, इधर आ जाओ, एक ही कहूंगा इधर आ जाओ। भाई सभी आर्मी वाले भैया ने बोला है सरचू के आगे 1 बजे बाद जाने नहीं देंगे। तो अभी तो 12:15 बज चुके और सरचू तो हम गारंटीड नहीं पहुंचने वाले, क्योंकि भाई बहुत लंबा रास्ता है और बीच में वाटर क्रॉसिंग मिल गई थी इसलिए बहुत टाइम हो गया। तो सरचू से पहले हमको कहीं रूम करना पड़ेगा, वहाँ पे रहेंगे, फिर दूसरे दिन कंटिन्यू करेंगे। अभी देखते हैं, इतना फिक्स नहीं है, 1 बजे बाद नहीं जाने देते सरचू के आगे। अभी यहाँ से टांगलांगला पास से चल रहे अपन वापिस। अभी यार सरचू का टेंशन है, भगवान करे जाने दे, बाकी सही लग रहा है। और अभी मेरा ऑक्सीजन लेवल भी सही हो गया है क्योंकि मैं पानी पी रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो भाई पानी दबा के पीना और इलेक्ट्रॉन ORS वो भी दबा के पीना, भाई सीरियसली बोल रहा हूँ। तो गाइस यार हमको सरचू से पहले लगता है स्टे लेना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से 120-130 किलोमीटर है और नहीं पहुँचने वाले भाई, आधे घंटे में नहीं पहुँचेंगे, डेफिनेटली नहीं पहुँचेंगे। बाकी छोड़ो, व्यू को इंजॉय करो। और ये देखो जो साइड में नाले होते हैं ना भाई, जो साइड में नाली होती है ना उसको रिपेयर कर रहे हैं, कारण जब बर्फ़ पिघलती है ना उसका पानी उसमें से चला जाए, वरना रोड पे आ जाता है ना पानी, फिर डेंजर हो जाता है, नीचे घाट है इसलिए फिर रोड पे आने बाद फिसलन से बहुत जन का एक्सीडेंट भी हो जाता है। तो गाइस आप देख सकते हो ये जो बीच में ग्राउंड है ना, ये सेम रन ऑफ कच लग रहा है, पहाड़ों को कट कर दो और बीच में का ग्राउंड देखो रन ऑफ कच, मतलब सेम टू सेम, कलर भी सेम है मिट्टी का। और ऑफ रोड ऑफिस, बाप रे ऑफ रोड बहुत आ रही है यार, छोटे छोटे पैच आ रहे, अपन वो पैच इतने गंदे हैं ना बोल भी नहीं सकता यार। यहाँ पे दिक्कत हो चुकी है, अपनी ऑयल सील लीक हो चुकी है, मतलब और प्रॉब्लम बढ़ गई। यहाँ पे रुके थे और भी राइडर्स रुके, यहाँ पे पूरे टायर पर ऑयल ऑयल हो गया है, सिर्फ कोई बड़ी दिक्कत ना हो इसके कारण। तो गाइस अपनी शॉक अब्जर की सेल लीक हो गई है, अभी यहाँ से निकलते बहुत आराम कर लिया बॉस। तो भाई जिस साइड जो खाली मैदान है ना इसको कहते हैं मॉरिज प्लेस, मतलब ऐसे ही कुछ तो नाम है, इतना याद नहीं है, पर इस खाली जगह को कहते हैं पूरे। ये देखो बॉस व्यू देखो सामने, और इस तरह पूरा खाली ग्राउंड खाली मैदान है, वाह कितना प्यारा दिख रहा है ना। इसको असली में बोलते हैं जन्नत, सच्ची में इस वो वहाँ पे बवंडर उठा है, अब आपको दिख रहा है या नहीं पता नहीं, वो देखो इसको बोलते हैं भाई असली का बवंडर आ गया, मतलब अब भी वो दिख रहा नॉर्मल है पर कितनी स्पीड से गोल घूम रहा होगा ना वो बता भी नहीं सकते, बवंडर। भाई अभी यहाँ पे अपना लंच हो चुका है, मतलब एक टाइप से देखे जाए तो राजमा चावल खाए थे, स्कूटर हार्ली स्प्लेंडर और रॉयल एनफील्ड, ये हमारा चारों का ग्रुप है। तो अब निकलते हैं यहाँ से चलो। तो भाई अभी अपनी लंच तो हो चुका है, वहाँ पे अपना ग्रुप निकल चुका है, मतलब हम घर से निकले थे अकेले, अभी चार बंदे हो चुके, चार बाइक्स हो चुके और बंदे हैं 5, मतलब काफ़ी मज़ा आ रहा है। और यहाँ पे भी बाइकर्स रुके हैं, देखो तो चलते हैं भाई। ये सुना है रोड भी ख़राब है सरचू से पहले, तो देखते हैं यार लेट टू मनाली कैसा रोड है भाई। अभी सरचू तो बंद हो चुका है, हमको सरचू में स्टे करने का सिवाय कुछ ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वहाँ से 1 बजे बाद अलौंडी है वहाँ से एंट्री, तो अभी बंद कर दिया। तो यहाँ पे पूल है मस्त वाला भाई, रास्ते कहाँ कहाँ से बनाए पहाड़ों के बीच बीच में से, सीरियसली कितना सुंदर दिखता है। तो बॉस ये पूरा पानी की मतलब नदी थी एक तरफ से, ये पूरा बर्फ बन चुका है यार, रोड काफ़ी डेंजर है भाई यहाँ से। रोड देखो अभी 80% ऑफ रोड, 20% अच्छे रोड मिलेंगे। अभी पीछे एक आर्मी ऑफिसर जी ने बताया था 80% अच्छे, पूरी झील ही मतलब पूरी नदी जम चुकी है बर्फ से, ये आप देख सकते हो, ये देखो पूरा बर्फ ही बर्फ है भाई। ये रोड खराब बहुत है, सीरियसली रोड बहुत खराब है। ये देखो गाइस ऑफ रोड भाई साहब, और सामने से जो ट्रक आते हैं ना उनके कारण बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि एक ट्रक जितना तो रोड है ये,
और उसमें ही वो आ जाते तो उसमें साइड में दबानी पड़ती है कहीं ना कहीं, जैसे कि अभी यहाँ पे दबाएंगे देखना। ये देखो ये यहाँ पे रोकनी पड़ी साइड में, अब वो ट्रक जाएगा, ट्रक वाला चला गया है, अब जाएंगे हम, मतलब दोनों साथ में नहीं जा सकते हैं। वो बॉस ऑफ रोड देखो, माँ कसम इतना गंदा ऑफ रोड, भाई साहब कैसे गाड़ी चल रही है मेरे को ही नहीं समझ में आ रहा। ये देखो वो बॉस, ये है इनका अच्छा रोड, मतलब देख सकते हो एक ट्रक जितनी तो रोड ही है, और इसको अच्छा कौन बोलेगा, उसमें भी ऊपर नीचे अलग ही है, साइड में खाई, ये वापस ऑफ रोड आ गया यार। 40 सेकंड का एक पैच आया था अच्छा, वापस ऑफ रोड आ चुका है, अब वापस एक अच्छा पैच आया है, वापस ऑफ रोड का पैच आएंगे, मतलब रोड अच्छी नहीं है यार। तो बॉस पहाड़ देखो वो वाला, वाह कितना सुंदर पहाड़ है, और रोड इतना बदसूरत है, सीरियसली बोलो इतना भद्दा रोड है ना, एक ट्रक जाने की जगह है, ट्रक आए तो साइड में रोकनी पड़ रही है यार गाड़ी, इतना गंदा रोड है, पूरा रोड फूटा हुआ है, गंदा रोड है ना गाड़ी, सीरियसली बोल रहा हूँ इतना गंदा रोड है, इधर तो इतने एक्सीडेंट होते होंगे। वो देखो वो जहाँ से ट्रक जा रहे हैं वहाँ से अभी हम आए, मतलब चढ़े उतरे वापिस चढ़ रहे, टर्न देखो भाई साहब क्या है ये, ये देखो नीचे गए तो गए समझ लो, साइड में कुछ बाउंड्री कुछ भी नहीं है, टर्न्स देखो भाई पूरे ब्लाइंडनेस से कुछ भी नहीं दिख रहा है, ये देखो टर्न्स, अब ऊपर से क्या है किसको राम जाने, और मिट्टी कंकर क्या क्या है टर्न्स पर। ये देखो ये ट्रक आया, इन दोनों को साइड देनी पड़ेंगी फिर अपन जाएंगे, मतलब कितनी सी जगह में से जा रहे बॉस, अभी ये सटन है सामने से कौन क्या है। ये देखो गाइस ऊपर से वाटरफॉल हो रहा है और सामने से ट्रक आ रहे, तो देखो भाई पूरा पानी आ रहा और बर्फ, अब ये ट्रक तो आ रही जा रहे रुक रही नहीं भाई, हम कब जाएंगे। तो गाइस काफ़ी देर बाद लग रहा है, ऐसा लग रहा है कोई ज़मीन पे आ गई, इतनी देर तो उड़ ही रहे थे क्योंकि पहाड़ों पर चल रहे थे ना भाई, पहाड़ बहुत गंदे, कब क्या ऊपर से आ जाए किसको भी नहीं मालूम पड़ेगा। अरे यार रोड बहुत ही गंदे लेटू मनाली, बहुत गंदे रोड, और व्यू देखो बॉस, व्यू तो प्यारे ही प्यारे इधर लद्दाख में, और नीचे देखो पूरी बहता हुआ पानी, मतलब बर्फ बन चुका है, बहता हुआ पानी रुका हुआ भी नहीं, मतलब आप देख सकते हो कितना गिरा होगा टेम्परेचर, इधर माइनस में है अभी। ओ बॉस भाई साहब कितना डेंजर है, मतलब कितनी बर्फ है, बहता हुआ पानी जम चुका है। ये देखो बॉस अभी यार सांस की प्रॉब्लम आ रही है, लचुंगला 16,616 feet, मतलब 1,6,6,1,6, तो भाई साहब अलग ही लेवल की खुशी है, पर सांस भी नहीं आ रही बॉस, ऑक्सीजन की कमी है, क्या कर सकते हैं। 16,616 feet ऊपर, मतलब आप सोच सकते हो बॉस, और आके देखो लाल लाल हो चुकी है क्योंकि अभी ऑक्सीजन की कमी है ना यहाँ पे, लेवल कम है इसलिए बॉस, और ठंडी बहुत है, तो अभी यहाँ से निकलते जल्द से जल्द। यहाँ पे वाटर क्रॉसिंग देखो, बहुत गंदी वाटर क्रॉसिंग है, तो अभी सब रुके वहाँ पे वीडियो शूट करने के लिए। देखो ओ भाई साहब यार पूरे जूते गिले हो गए, पूरे भीग गए, ठंड लग गई। ए भाई मेरे, तो सब जन आ रहे हैं देखते हैं। वाटर क्रॉस कर लिया, अभी यहाँ पे रुके चाय कॉफी पीने के लिए, तो अभी कॉफी पियेंगे। अपनी कॉफी आ चुकी है, ये देखो काफी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। इस यार अब मैं शूट कम कर पाऊंगा क्योंकि मैं अब ग्लव्स पहन रहा हूँ, बहुत ठंडी लग रही है, तो होठों की हालत भी देखो पूरी खराब हो चुकी है, तो अभी शूट कम करूंगा, ग्लव्स पहनता हूँ, ठंड कम लगे भाई, शूट से ज्यादा जरूरी ठंड है। तो गाइस अभी यहाँ पे रुके, बिल्कुल अंधेरा हो चुका है, 8:30 बज चुके हैं, और अभी हमको जाना है, कहाँ जाना है भैया, और अभी हमें जाना है सरचू, अभी वहाँ से जल्द पहुँचने की देरी है यार, क्योंकि भाई बहुत अंधेरा हो चुका है, और मतलब हालत टाइट हो चुकी, इतनी खराब रोड थे ना, और इतना अंधेरा हो चुका है, हैंड ग्लव्स है इसलिए मैं शूट भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि प्लेन ही ना होगा वीडियो, इसलिए शूट भी नहीं कर रहा हूँ। तो अब देखते हैं भाई, रोड बहुत गंदे, सरचू के 70-80 किलोमीटर पहले से रोड बहुत गंदे,
बहुत गंदे। अपना ग्रुप है पूरा राइडिंग का, अभी यहाँ पे पोस्ट हो चुके हैं यार, मैं वापस नाम भूल गए, जान दो। आपने अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो नाम तो सुना ही होगा। ये यहाँ पे मल्टी स्टार है, उसके आगे हीरो स्प्लेंडर, उसके साइड में स्कूटी निंजा 650, अपने हार्ले डेविडसन स्ट्रीट 750, ये रॉयल इनफील्ड 350। अपना पूरा ग्रुप है 6 बाइकों का। बाकी यार मल्टी स्टार्टर काफी सुंदर दिख रही बॉस। जब यहाँ पे वो होटल देख रहे हो और मैंने पूरे रास्ते पे कुछ शूट ही नहीं किया। अबे यार मैंने कही क्यों भाई, हंस रहे देखो तो हंस रहे यार। तो अब मैंने हैंड ग्लव्स पहने थे इसलिए मैं शूट ही नहीं कर पाया, क्योंकि वीडियो प्ले नहीं होता ना। तो अभी अच्छा है, यहाँ पे रूम देख रहे हैं हम लोग, 6 जन हैं और 5 गाड़ी है।